तो पूर्व सीएम बाबूलाल गौर के निधन पर पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, साध्वी प्रज्ञा, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया है। सुमित्रा महाजन ने कहा कि वो जिंदा दिल व्यक्ति थे, वो काम के प्रति वफादार थे। वहीं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पूर्व सीएम बाबूलाल गौर ने जनता के लिए बहुत काम किए हैं जिनको कभी नहीं भुलाया जा सकता। तो साध्वी प्रज्ञा ने भी उन्हें याद किया। जिंदा दिल व्यक्ति थे, हमारे लिए तो सीनियर थे ही, और सालों साल से उनके साथ काम किया है। और मैंने एक देखा है कि काम के प्रति बहुत सिंसियर हुआ करते थे, जो भी पोस्ट उनको मिली पार्टी में, और हमेशा हंसमुख रहते थे। मैं अभी 2-3 महीने पहले ही उनसे मिल के आई थी, तो उस समय भी बहुत ही प्रेम से हमारी बात हुई। एक बात है, स्पष्टवक्ता थे, मगर स्पष्टवक्ता भी होते हुए पार्टी के प्रति समर्पित व्यक्ति रहे। और दोस्त मंडली मंडली बात जिसको कहते हैं ना, थोड़े ऐसे थे कि वो पसंद था उनको कि सतत लोगों में रहना। और 40-42 साल से एक ही विधानसभा से चुनाव जीत के आना इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत भी होती है। लोगों को, कार्यकर्ताओं को महत्व देते हुए, कार्यकर्ताओं के साथ रहते हुए काम करना, और वो उन्होंने करके दिखाया, ये मेरे दृष्टि से बहुत बड़ी बात है। एक अध्याय समाप्त हो गया, एक युग का अंत हो गया। मजदूर से लेकर मुख्यमंत्री तक का सफर उन्होंने अपने परिश्रम के बल पर तय किया था। वो शून्य से शिखर पर पहुंचे, जनता के प्रति प्रेम, पार्टी के प्रति समर्पण और विचारधारा के प्रति निष्ठा, निरंतर कर्म, यही मेरा धर्म, इसको उन्होंने चरितार्थ किया। वो लगातार काम करते रहे, वो बहुत जिंदा दिल इंसान थे, और जीवट ऐसा कि जो दिल में होता था वही बोलते थे, कोई चिंता नहीं करते थे।